गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका काफ़ी स्वागत है। आज हम आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग हर एक चैप्टर को कवर करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th का सबसे पहला चैप्टर क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके सामने शुरू हो रहा है, जिसका कि पहला चैप्टर है हेलो अल्केन, उसके बाद हेलो एरिन्स, उसी में है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले हेलो अल्केन्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हेलो एरिन्स को पढ़ेंगे, उसके बाद आपका आएगा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, फर्दर ये सब पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। तो ध्यान देंगे कि आज का जो चैप्टर शुरुआत हो रहा है वो है हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स। तो इसमें आज सिर्फ और सिर्फ मैं ये बताऊँगा कि एनसीईआरटी का जो पहला पेज हेलो अल्केन्स हेलो एरिन्स, जैसे आप देखेंगे एनसीईआरटी, उसकी पहले पेज को मैच थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके देने वाला हूँ। आप चैनल के साथ बने रहें और कॉपी कलम लेके बैठें, जो इम्पॉर्टेंट बातें होंगी आप कॉपी में उससे लगा लें, ठीक है। कुछ ऐसी बातें मैं दिखाऊंगा जो कि क्वेश्चन आपके चैप्टर में यूज़ भी होगा, ठीक है। जो चीज़ भूल गए हैं उसको थोड़ा रिकॉल करेंगे। तो आज यही क्लास, उसके बाद कि जो लेक्चर शुरू होगा तब पढ़ाएंगे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स हेलो एरिन्स, ये सब चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स। तो हेलो अल्केन, तो इसमें या उसके बाद और हेलो एरिन्स, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स, ये देखिए यहाँ पे दो चीज़ पे जरा, तो आप ये कीजिए गौर करना है, दोनों में हेलो कॉमन है, दोनों में क्या है ना, हेलो कॉमन है, बदल रहा है अल्केन और यहाँ बदल रहा है एरिन, ठीक है। ध्यान देंगे दोनों में, आइदर हम हेलो अल्केन पढ़ें या हेलो एरिन्स पढ़ें, हमको हेलो से मुलाकात जरूर होगा और हेलो को भूलना भी नहीं। अब बात आती है, सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि हेलो फोर क्या है ना, हेलोजन, हेलोजन जो बोला जाता है, हेलोजन एटम जो है, हेलोजन एटम कहाँ पे बैठे हुए हैं आपको पता ही होनी चाहिए, ये ग्रुप 17 में बैठे हुए हैं पीरियोडिक टेबल में। हेलोजन एटम ग्रुप 17 एलिमेंट है, ग्रुप 17 एलिमेंट है। आपको आज से बेसिक आइडिया दूंगा, फर्स्ट पेज का आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। हेलोजन एटम ग्रुप 17 एलिमेंट डिनोटेड बाय एक्स, व्हाट आर द एलिमेंट विच कम्स इन, कौन कौन एलिमेंट ग्रुप 17 में आ रहे हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंतर्गत, वो है फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन और आयोडीन, ये चीज़ फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, ठीक है। ये चीज़ है, ध्यान नहीं, ये चार एलिमेंट यहाँ पे इस चैप्टर में आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है, ये हुआ हेलो, हेलोजन। और अल्केन, अगर हम स्टार्ट करेंगे हेलो अल्केन से, तो अल्केन से आप वाकिफ है कि अल्केन जो है CnH2n+2, ठीक है, अल्केन। और ये एक अगर बात करें अल्केन क्या है, तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। अल्केन क्या है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और इसमें हेलोजन कॉमन है एरिन्स में, वाट इज मीन्ट फॉर एरिन्स, एरिन्स का मतलब है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसके मतलब ये है, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एरिन और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन अल्केन। अब मैं आता हूँ एनसीईआरटी का फर्स्ट लाइन पे जो लिखा है, क्या लिखा है ध्यान देना, कि किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, हमको अगर हेलो अल्केन को रिप्रेजेंट करके देना है, हेलो एरिन्स को रिप्रेजेंट करके देना है, तो हम क्या करेंगे, तो वहाँ पर क्या करना है, बड़ा सा आसान है कि इसके लिए क्या है, द रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट का मतलब होता है रिप्लेस कर देना, उसके जगह पे कोई आएगा, रिप्लेसमेंट का मतलब ये कि रिप्लेसमेंट ऑफ, किसका रिप्लेसमेंट होगा, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट होता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें कि कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन होता है,
सुनने से ही लग रहा है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने ही कंपाउंड को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो ये हाइड्रोकार्बन अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ आइदर एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो। तो रिप्लेसमेंट किससे किससे हो सकता है, किस हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जा सकता है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन निकाल दिया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है, उसकी जगह पर कोई आएगा। अब क्या आएगा? बस ये आएगा, याद रखिएगा, हाइड्रोजन निकलने पे ये आएगा, हैलोजन आए वहाँ पे आके अटैच हो। तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन आइदर द हाइड्रोकार्बन, वो हाइड्रोकार्बन क्या हो सकते हैं? एलिफेटिक, एलिफेटिक फॉर अल्के, एलिफेटिक फॉर अल्के, एरोमेटिक एरिन। तो अब नहीं अल्के, यहाँ पे एरिन जो एरोमेटिक होगा वो आपको जनरली क्या दिखने वाला है, मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये फिगर है, ठीक है, इसको बोलते हैं बेंजीन। अगर पूछा जाए कि एक एरोमेटिक का एग्जांपल दीजिए, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा आप? बोलिएगा बेंजीन, बेंजीन और उसके कोई भी डेरिवेट्स, ऑल आर एरोमेटिक ए कंपाउंड, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन आइदर एलिफेटिक और एरोमेटिक बाय, किसके द्वारा? हैलोजन एटम, हैलोजन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्या बनेगा? अल्काइल हैलाइड बनेगा। तो अल्काइल हैलाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं हेलो अल्केन, अल्काइल हैलाइड बोलिए या फिर हेलो अल्केन बोलिए, या फिर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड या फिर हेलो हेलो अल्केन, या फिर क्या बनेगा? एंड और एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। तो एराइल हैलाइड को क्या बोलेंगे? हेलो एरिन, हेलो एरिन, ये चीज़ है। अब मैं आपको रिप्रेजेंट करके देता हूँ किस तरह से आप बनाएंगे। तो अगर सबसे पहले बात करेंगे कि हेलो अल्केन को किस तरह से फॉर्म करते हैं, तो हेलो अल्केन को फॉर्म करने के लिए अल्केन लगा हुआ है, तो अल्केन लगा हुआ तो अल्केन को आप लिख लो, ठीक है, अल्केन को आप लिख लो, अल्केन लिख लिए CnH2n+2, ये अल्केन सभी को इससे फार्मूला से वाकिफ है, सभी जान रहे हैं कि अल्केन की जनरल फार्मूला क्या होता है, अगर नहीं जान रहे हैं तो देख लीजिए ये चीज़ है एच, इससे एक हाइड्रोजन निकाल दिया, यहाँ पे एक्स जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन एटम जोड़ देते हैं। जैसा ये हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? CnH2n+1 और ये एक्स, एक हाइड्रोजन निकलने प्लस टू था लेकिन एक निकलने के बाद क्या बन जाएगा? प्लस वन और एक्स जाके जुट जाएगा, ये अल्केन है। तो ये क्या होगी? ये है हेलो अल्केन, यही है फर्स्ट लाइन में जो बातें लिखी हुई है उसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो हुआ हेलो अल्केन बना या फिर अल्काइल हैलाइड बना, किससे बना? अगर हेलो अल्केन बनाना है तो हमको अल्केन से बनाना होगा, अल्केन से हाइड्रोजन हटाएंगे और उसी जगह पे सुटेबल जो आपको डिजायर्ड है वो जोड़ सकते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। अगर एक एग्जांपल देता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूँ कि फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन अगर पूछा जाए, तो सभी को पता है कि अल्केन का जो पहला सदस्य है मीथेन है, उसके बाद क्या है? इथेन है, उसके बाद क्या है? प्रोपेन है, उसके बाद क्या है? ब्यूटेन है, उसके बाद क्या है? पेंटेन है, सिमिलरली चलता रहेगा, ठीक है, इसी तरह से इसी सीक्वेंस में। अल्केन का फीचर क्या है ना कि कार्बन का डबल, कार्बन का डबल से दो ज़्यादा हाइड्रोजन होता है, कार्बन से डबल से दो ज़्यादा हाइड्रोजन। अगर यहाँ लिखा हुआ है C2S6 तो कार्बन का डबल क्या होता है बताइए? चार, ठीक है। कार्बन का अगर डबल हाइड्रोजन देखें तो 2 × 4 उसमें दो जोड़ दीजिए अल्केन बन जाएगा। तो अल्केन अब यहाँ फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन CH4 है, तो CH4 यहाँ पे लिख लिए, मीथेन, मीथेन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किए। अगर हमको यहाँ पे मन कर रहा है Cl लगाने का, ठीक है, क्लोरीन या फिर आप ब्रोमीन जो भी लगा सकते हो, अगर Cl लगाएंगे तो CH3 यहाँ पे CH3 हो जाएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन आपने खींच लिया, और यहाँ पे Cl लगा देंगे तो क्या बन गया? क्लोरो मीन्स हेलो अल्केन बना। लेकिन कैसा हेलो अल्केन बना? हेलो की जगह पर क्या लिखेंगे? क्लोरो, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन लगा है। और किस अल्केन से बना है? मीथेन से बना है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोरो मीथेन। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा,
इस तरह से हम हेलो अल्किन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। हेलो अल्किन का फॉर्मेशन हो रहा है, इस चैप्टर्स में ध्यान देंगे। हेलो अल्किन्स और हेलो एलिन्स नेचुरली ऑकरिंग क्या बोलते हैं ना कंपाउंड्स, और इसका क्लिनिकल यूज भी बहुत है, ठीक है, इस कंपाउंड का। जैसे कि मान लें कि इसमें बहुत सारे कंपाउंड मिलेंगे आपको, जैसे कि DDT वगैरह आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स के लिए यूज होता है, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आएंगे, ठीक है, और भी है जैसे कि सर्जरी वगैरह में भी, एंटीवे की कह सकते हैं, टाइफाइड की ट्रीटमेंट में यूज होने वाले कंपाउंड, ठीक है, उसके बाद मलेरिया में जो यूज होता है वो सब कंपाउंड्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, एंटीसेप्टिक के लिए, एनेस्थेटिक के लिए, ये सारे कंपाउंड जो है कि आपका हेलो अल्किन और हेलो एलिन से बिलोंग करता है इस चैप्टर से, ध्यान देंगे। तो ये है, इस तरह से हेलो अल्किन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई थिंक आप इसको कॉपी में लगा लो। स्टार्टिंग में मैंने यही बोला है कि आज जो भी ये हेलो अल्किन्स और हेलो एलिन्स, तो हेलो अल्किन्स के बारे में थोड़ा आज जानकारी देंगे, फर्स्ट पेज की मैं आपको जानकारी दूंगा, उसके बाद आप जाके पढ़ लेना, ठीक है। सबसे पहले क्या है, जितने भी चीज़ पढ़ाया जाए आप क्या करो, उसको NCERT को एक बार लाइन पर लाइन पढ़िए, क्योंकि CBSE का जो आप क्वेश्चन आप देखेंगे, ठीक है, तो वो NCERT का अगर लाइन बाय लाइन जिसका पढ़ा हुआ है तो उसको क्वेश्चन हार्ड नहीं लगता एग्जाम्स में, जिसका लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा हुआ, अचानक नोट्स उठाए कहीं से मिला पढ़ लिख के चले गए, नहीं, नोट्स पढ़िए जरूर, लेकिन NCERT के साथ, ठीक है, वो चीज़ बहुत काम आएगा। तो चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब है कि किस तरह से आप एलिन्स बनाए, तो एलिन्स बनाने का ये तरीका है, आज सिर्फ और सिर्फ मैं आपको फर्स्ट पेज के बारे में आइडिया दे रहा हूँ। तो अगर हेलो एरिन्स बनाना है तो आपको क्या करना है, बेंजीन रिंग को उठा लेना है। तो हेलो एरिन्स अगर बना रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं हेलो एरिन्स का, प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ, फॉर्म करके दे, रिप्रेजेंट करके दे रहा हूँ, ये हो गया बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग का फीचर क्या है कि बेंजीन रिंग का मतलब है कि C6H6 होते हैं, ठीक है, C6H6, और इसमें 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, और अल्टरनेट पोजिशन पे पाई बॉन्ड मतलब एग्जिस्ट करता है डबल बॉन्ड। तो इससे एक हाइड्रोजन निकाल लें, यहाँ पे X जोड़ देंगे, तो इससे एक हाइड्रोजन मैं निकाल लें तो क्या बन जाएगा, ध्यान दें, इससे एक हाइड्रोजन मैं निकालने पर ये बन जाता है ये C6H5। तो C6H5 को भूलना नहीं है, देखिए बेंजीन को ऐसा लिखेंगे आप C6H6 ये बेंजीन, और C6H5 क्या है, फिनाइल ग्रुप, या फिर इसको एराइल ग्रुप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एराइल ग्रुप, ठीक है, फिनाइल ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप। तो C6H5 ये है, इसके लिए आप X जोड़ देंगे। तो ये तो क्या था, ये एक एरिन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरिन बोलिए या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन है, और इससे क्या बन गया, हेलो बेंजीन बन गया, ठीक है, हेलो बेंजीन इसको बोल सकते हैं, हेलो बेंजीन या फिर हेलो एरिन्स। सिमिलरली अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके ब्रोमीन लगा दें, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके ब्रोमीन ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ब्रोमो बेंजीन, क्या बन जाएगा, हेलो बेंजीन के जगह पे क्या आएगा, ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, ये चीज़ है, क्या बन गया, ब्रोमो बेंजीन। तो इस तरह से जो फर्स्ट लाइन को जो लिखा गया है NCERT में, रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय द हाइड्रोजन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड, ये हो गया आपको इस तरह से फॉर्म करेंगे। या तो कोई बेंजीन रिंग से हटाइए, बेंजीन रिंग से हटा के अगर हैलोजन लग रहा है तो हेलो एरिन्स, एल्केन से अगर हट के हैलोजन लग रहा है तो हेलो एल्केन्स, अगर अल्केन मतलब एलिफेटिक ऐसे ध्यान रखेंगे, अल्केन का मतलब एलिफेटिक और बेंजीन का मतलब एरोमेटिक एरिन, क्लियर, ये चीज़ है। अब बात आती है इस चैप्टर्स में ध्यान दें कि हेलो एल्केन्स का हमारे पास बहुत सारा यूज़ कहाँ पे है, ठीक है, तो हेलो एल्केन्स और हेलो एलिन्स जो है यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे डिजीज़ को ट्रीट करने में काम आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में काम आता है, बहुत सारी चीज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको फैमिलियर करवाता हूँ कि इससे क्या बनाया जाता है, इससे क्या है कि आपका क्लिनिकल यूज़ है, जैसे कि टाइफाइड के
टाइफाइड के ट्रीटमेंट में, टाइफाइड के ट्रीटमेंट में ये जो ड्रग है एज ए ड्रग यूज किया जाता है ट्रीटमेंट में। कैसे ध्यान दें तो इसके लिए एक नया आपका है क्लोरो, कौन सा, क्लोरोफेनिकॉल। देखिए एनसीईआरटी में ये बातें लिखी है, क्लोरोफेनिकॉल, क्लोरोफेनिकॉल इट इज यूज्ड इन किसमें, टाइफाइड में, टाइफाइड के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, विच इज एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ठीक है, कहाँ से इसको बनाया जाता है, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कहाँ से, सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये जो क्लोरोफेनिकॉल है, हालांकि ये सब चीज़ के बारे में आप लास्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, पहले तो सीरियसली में ये चीज़ था, पता नहीं इस बार का सिलेबस क्या हटाएगा क्या रखेगा, लेकिन फिलहाल तो अभी आपका एलोलकेन हेलोरिंस है, एल्कोहल फिनॉल ईथर है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है, एमाइन है, बायोमोलिक्यूल्स है, ये चीज़ है। तो ये है क्लोरोफेनिकॉल, ध्यान नहीं ये चीज़ है, ये जो है आपका ट्रीटमेंट क्या करता है, टाइफाइड के ट्रीटमेंट के लिए ये काम आता है, ये चीज़। उसके बाद है क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन एक कंपाउंड है, ये भी हैलोजेनेटेड कंपाउंड है, इसमें भी हैलोजन एटम पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है इसको किया जाता है किस इसका जो यूज़ किया जाता है मलेरिया के ट्रीटमेंट में, क्लोरोक्वीन और एक है क्लोरोफेनिकॉल। तो अगर ये जो ये दोनों कंपाउंड का जिक्र किया गया है, ठीक है, एक होगा एलोथेन, ये चीज़ है एलोथेन, ये कंपाउंड, ठीक है, ये चीज़ है एनेस्थेटिक में यूज किया जाता है ड्यूरिंग सर्जरी, ये चीज़ है सर्जरिकल ऑपरेशन जो होता है उसके लिए ये कंपाउंड का यूज किया जाता है। आप बात आते हैं, ये तो दे तो दिया है, इसके बारे में थोड़ा इसके स्ट्रक्चर्स भी जान लें, क्लोरोफेनिकॉल को हम कैसे लिखेंगे, बड़ा ही आसान है लिखना, उसके बाद दिखाएंगे आपको क्लोरोक्वीन का स्ट्रक्चर, थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है, काम आ सकता है, एग्जाम में पूछ लेता है, और अगर ये क्या बोलते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, नीट दे रहे हैं, जेई दे रहे हैं, आईटी दे रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव में हो सकता है पूछ, क्योंकि खासकर नीट में तो मेडिसिन वगैरह का तो जिक्र रहता ही है क्वेश्चन में, कौन सा मेडिसिन है, क्या कि रिलेटेड है, क्लोरोफेनिकॉल एक है, एक है क्लोरोक्वीन। इस तरह से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दें यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे सी एच है, ओ एच है, सी एच है, सी एच टू है, ओ एच है, एन एच है, सी ओ है, सी एच है, सी एल टू है, ध्यान देंगे सी एल टू, ये चीज़ है, और अब ये नाइट एनओ टू, तो ये है क्लोरोफेनिकॉल, इसको इसके यूज से टाइफाइड का ट्रीटमेंट किया जाता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। एक आती है क्लोरोक्वीन, इसका भी मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, क्लोरोक्वीन क्या है, मलेरिया के ट्रीटमेंट में ये काम आता है। एलोथेन है, एलोथेन भी कंपाउंड है, ये आता है सर्जिकल ड्यूरिंग सर्जरी, एनेस्थेटिक का यूज किया जाता है एज ए एनेस्थेटिक एजेंट। अब क्लोरोक्वीन का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, ध्यान देंगे आप, थोड़ा सा है जो ध्यान रखने की बात, आप इसको कॉपी में जरूर नोट कीजिए, इसलिए एनसीईआरटी में मेंशन तो जरूर है ये, ठीक है, लेकिन ये क्या है, एनसीईआरटी में मेंशन जरूर है, लेकिन क्या है आपको ये चीज़ ध्यान देंगे, ये चीज़ और यहाँ पे ध्यान देंगे, ये तो यहाँ पे क्लोरीन है, ये चीज़, ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने लिखा है, यहाँ पे मिथाइल कार्बन की संख्या आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9, यहाँ 18 80 18 है यहाँ पे, ठीक है, कार्बन की संख्या 18 है, नाइट्रोजन इसमें क्या है, 3 है, 1 2 है 3 है, क्लोरीन एक, इस तरह से ये क्या है, क्लोरोक्वीन का फॉर्मूला है, क्लोरो कोई ये ट्रीटमेंट किया जाता है, इससे मलेरिया का ट्रीटमेंट। हेलोथेन, हेलोथेन ये बड़ा आसान है, इस तरह से आप लिख लें, और यहाँ पे फ्लोरीन की जो संख्याएं हैं, 3 फ्लोरीन आएंगे, और यहाँ पे एक क्लोरीन है, ये आपका
ब्रोमीन है और यहाँ पे क्लोरीन है, इस तरह से ये चीज। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, अगर बात करो तो क्या है, टू पे ब्रोमो है, टू पे क्लोरो है, टू ब्रोमो टू क्लोरो वन 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 ट्राई फ्लोरो इथेन, दैट इज हेलोथेन। तो ये चीज मैंने लिख दिया है, लेकिन हाँ वहाँ पे आपका एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं है, जिक्र है स्ट्रक्चर्स नहीं। तो आप ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर्स बना लीजिए, ये और ये और ये, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द हेलोथेन, ये हेलोथेन। तो बहुत सारे इसके एप्लीकेशन हम लोग को पढ़ने को मिलेगा इस चैप्टर में, ठीक है, इस चैप्टर्स में बहुत सारे एप्लीकेशन इसका पढ़ने को मिलेगा, यूजेस पढ़ने को मिलेगा। तो इसके बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो कि आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। और फिर आयोडीन का जो कंपाउंड है, थायरोक्सिन जो हार्मोन है, वहाँ भी वो कंपाउंड पाया जाता है, हैलोजिनेटेड कंपाउंड आयोडीन ग्रुप होता है जो कि आपका थायरोक्सिन हार्मोन में प्रेजेंट होता है, ये चीज़ होता है, ये चीज़। तो ये चीज़ आप नोट कर लें। तो इतना ही बात फर्स्ट क्या कह सकते हैं, फर्स्ट पेज में रखा गया है, इतना ही बात, उससे ज़्यादा बात फर्स्ट पेज में नहीं है। तो ये चीज़ है। अब हेलो, अब दोनों का मीनिंग क्या है, हेलो एल्केन्स और हेलोडीन्स किस तरह से फॉर्म होता है, इसके बहुत सारे यूज़ हैं, क्लिनिकल यूज़ है आपका, क्लिनिकल यूज़ का मतलब ही समझ में आ गया कि मेडिकल्स में, मेडिकल पर्पज एज ए ड्रग इसको यूज किया जाता है, एज ए मेडिसिन इसको यूज किया जाता है। कुछ मेडिसिंस का मैंने कुछ ड्रग्स का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसके स्ट्रक्चर्स भी लिखा हुआ है। इसका है क्लोरम फेनिकॉल, ये है क्लोरोक्वीन मलेरिया, और ये हेलोथोन, ये चीज़ है। हेलोथोन को कैसे लिखेंगे आप, क्या लिखा हुआ, टू ब्रोमो टू क्लोरो वन 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 ट्राई फ्लोरोन, डेट इज कॉल्ड हेलोथेन क्लोरोक्वीन, ये चीज़। तो आज बस ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा, बस आज इतना ही। मतलब एक तरह से आपका हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स मैंने शुरू कर दिया, पहला चैप्टर की आपको कुछ जानकारी दी गई है, और नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट क्लासेस से, नेक्स्ट लेक्चर से आपका शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। मैंने एनसीईआरटी का हर एक लाइन आपके सामने मैं रख दूँगा, और आप इसके नोट्स बनाएं, और एनसीईआरटी को आप ज़रूर पढ़ें, आपका बोर्ड में बहुत ही अच्छा नंबर आने वाला है। तो चलिए, चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत